हेलो गाइस, वेलकम टू माय बगन ब्लॉग। तो आज मैं आई हूँ बगन, बगन नहीं खेती में, खेती। ये मेरा आलू बगन देख सकते हैं। आलू निकला तो निकला किस, वाह तू ना बेसी भी है बम्मा। देखो यहाँ पता इतना ये हो गया, और यहाँ पे मकई है, मेरा मकई का खेती है यहाँ पे। और इसके बाद ले, यहाँ तो आलू का बहुत लाए पत्ता पूरा निकल गया। ओह माय गॉडनेस, हम अभी को कैमरा टर्न करके दिखा देगा मेरा खेती की हाल कैसी हुई गई है। हुई गवा, हुई गवा। आलू ये रहा लाए साक। ओ ये तूना और आलू तो बराबर हो गया, तूना को निकाल, तूना और आलू जो बराबर हो गया, तूना को निकालना पड़ा। देखो ना ये लोग आलू बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कहाँ से लिख ही देगा ना ये लोग को, बहुत सीताना हो तू ना। चाहे आपू हम बार हम पहुँच पाए, उनको मैं आना पड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन देखो ना बीस बीस में आलू आप बाप में ना लिखी तो पूरा स्पॉन्जी है फिर भी। जहाँ में लिखी दे सकते हैं वहाँ में ची ची इम्प्रूव करके आ गया दोस्त। तो चले भी दे, तू ना को निकालना पड़ेगा जैसे भी। वही तो, हम क्यों आलू का बगान, तू ना फूके नानी में, तू ना फूना का फूना बोल रहा है ना दिमाग खराब। देखो मेरा आलू ना सुंदर सुंदर आलू हो गया। Here's my आलू पटना। चलो वहाँ जाके देखे, वो लोग खेती में देखे, पापड़ का खेती में जाके देखेगा भी। अब तू ना को क्यों दीदी फोन है, तू ना हवाता हूँ। मेरा आलू का बगान जहाँ जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ वहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया, जहाँ पे मिट्टी कम है वहाँ पे आलू जो गायब हो गया। मेरा पेड़ आगे स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया ना। यो ये मेरे बड़े मम्मी का आलू बगान, देखो इतना बड़ा है। दस्तू बे, वाह मेरा पापड़। बहुत दिन का बाद, एक हफ्ता का बाद आया खेती, इसका वजह से मेरे सब कुछ सरप्राइज सरप्राइज लग रही है। ये बहुत अजीब से हो गया मकई। ला क्या हो गया मेरा पापड़ का बगान, बीच बीच में तो कुछ भी नहीं है। ले तो हम आप लोग को भी दिखाया। हाँ ये बुढ़िया ना पूरा बीच बीच में टकला कर दिया। ये बीच में कुछ भी नहीं है, वहाँ बीच में भी देखो बुढ़िया ना, देखो साइड साइड पे देखो, ये बुढ़िया नहीं होगा लेकिन पतला हो गया, थोड़ा हेल्दी तो हो गया है, बट बीच बीच में गैप हो गया वहाँ से है। तो वहाँ लास्ट तक जाके दिखाएगा आप लोग को। मैं बिना दरा दे रहा चलने भी नहीं सीख रहा। यो गुडनेस, हाँ यहाँ में भी थोड़ा है तो ठीक है, नॉट बैड। जो हाँ पापा जी बैलून जी लंबे, हम तो पूरा जंगल में निकल गए। ये मकई, सब लोग अभी मकई खा के क्या क्या कर रहा है। अभी मेरा मकई देखो, ये यहाँ तो बहुत छोटा हो गया। ये तो बहुत छोटा हो गया, देख वहाँ में थोड़ा हेल्दी हो गया। यहाँ में ट्रैक्टर मारने वाले ने अच्छा से नहीं, ये लास्ट में बहुत छोटा हो गया। ट्रैक्टर मारने वाला बया ने अच्छा से नहीं मार देना एक्चुअली में, वहाँ पे ये था शायद मोल भी नहीं था होगा। मेरा पैर, माय पैर इज दुखिंग, व्हाट आई डू नाउ। हाँ नॉट बैड, ये तो बहुत सुंदर तो हो गया, लेकिन वहाँ पे हम तिल लगाया था, और ये तिल और क्या बोलते हैं, लाइसक लगा, हाँ लाइसक
सर सो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, ये तो हेल्थ, ये तो सुंदर हो गया नॉट बैड देखो। इस बार खेती करके देख लेना कैसा होता है, उनको नेक्स्ट साल से बेटर करेंगे। ये बीच बीच में तो डायरेक्ट टोकला है, ये मेरी बड़ी मम्मी की कमाल है, टैलेंट, उसको बोला था मैंने। माई हार्ट इज फ्री, वाह ये तो इतना बड़ा हो गया, कसम पैदा करने वाले की, इतना बड़ा को तो हम कैसे खाएगा। पानी भी नहीं आ दिया ना तो इसका वजह से हो गया होगा बेचारा खाया हालत। तो यहाँ पे यहाँ से कुछ और लगाने का बात हुआ था पर खाली है, टुकड़ा टुकड़ा जी, ऐसा तो पूरा लॉस हो गया लगता है। नहीं होगा, कोई मेरा खेती में घूम रहा था, कोई मेरे खेती में गुरु लेके आया, गुरु वाला को हम बोले ही मत लेके आओ बोल के, पर जहाँ तक गुरु का पैर एक गुरु देखो लैसा तो निकला ही नहीं बिल्कुल भी। हम आलू बागान में थोड़ा आलू सफा करने आया था तो फिर वापस आलू बागान जाएगा। हम लोग को मैंने सब खेती दिखा दी, सुंदर अच्छा भी नहीं हुआ था लेकिन मिट्टी देखे हो क्या। अभी मैं जा रही हूँ घर की ओर, आ तुम दोनों मैं थोड़ा ना वैसे पता हो कहाँ, देखो ना इतना गेपिंग गेपिंग हो गया। ठीक है पापा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सायोनारा। करना पड़ेगा ना अभी इसकी जुगाड़ करो, फिर तो वहीं में एम मिला के मारो तो ऐसा तो कहाँ हो गया एक बार।